तो हुआ ऐसे भी फेब के फर्स्ट वीक में आयल्स का एक एग्जाम देता है बच्चा। जब उसका रिजल्ट आता है तो राइटिंग में रह जाते हैं उसके 5.5 बैंड। ओके, तो उसी मंथ में फिर वो लास्ट एग्जाम देता है अराउंड 15 से 20 दिन में, लेकिन उस टाइम जब उसका रिजल्ट आता है तो बैंड आते हैं 7 बैंड। तो ऐसा क्या किया उस बच्चे ने, ये वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। ये एक बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है बनाकर मैं जोड़ रहा हूं, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा भी इन 15 डेज ने उस बच्चे ने क्या स्ट्रेटजीज यूज की। बड़ी ही अमेजिंग वीडियो रहने वाली है। मैं कह रहा हूं भी 10 से 15 दिन में जो बच्चे कहते हैं मेरा राइटिंग में स्कोर नहीं आता, उनका स्कोर देखना कैसे बूस्ट होता है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है बच्चे, इस 5.5 बैंड वाले बच्चे की दिक्कत क्या थी? उसकी दिक्कत थी उसको राइटिंग का बेसिक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर था। अराउंड 70% बच्चों को क्लियर ही नहीं है बेसिक कंसेप्ट। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है। मेन प्रॉब्लम रहती है आपके टास्क 1 पे। टास्क 2 पे तो सारे बच्चे फोकस कर लेते हैं, सारे इंस्टीट्यूट फोकस कर लेते हैं, लेकिन टास्क 1 वो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। टास्क 1 रहता है 3 बैंड का। एक ऐसी ट्रिक जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, 3 में से 2.5 बैंड हर एक बच्चा लेकर जाएगा। अगर यो मैं आज तरीका बताने जा रहा हूं, वैसे अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, अगर यहां से 2.5 बैंड आ गए तो 6 में से अगर 4 बैंड आए तो 6.5, 6 में से 4.5 आ जाएंगे तो 7, अगर यहां से 4.5 आ गए तो 7.5 बैंड तक भी आप चले जा सकते हो राइटिंग में। और यही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अब दिक्कत देखो कहां पे आती है। दिक्कत ये आती है भाई, राइटिंग के टास्क 1 में बच्चों के पास वेरिएशन ही नहीं है सेंटेंसेस लिखने की। बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए एक आपके पास लाइन ग्राफ आ गया, ये लाइन ग्राफ में मान लीजिए 3 लाइंस है। ये मान लीजिए चाइना की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बच्चे ने लिख दिया द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इंक्रीज बाय 20% इन 2010। फिर जापान की, फिर सेम लाइन ही। अगर इंडिया की लिखनी, फिर सेम लाइन। एक और लाइन आ गई स्विट्जरलैंड की, फिर सेम लाइन। मतलब बच्चों के पास वेरिएशन नहीं है, यही कमी रहती है। तो आज इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताने जा रहा हूं मैं। एक चीज आप नोट करना, मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ चलता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मैं एक लाइन सेम ही लिख देता हूं, मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना वॉज इंक्रीज बाय 10% इन 2010। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो गई 2010 में। अब मैं आपको यहां पे जो मेन ट्रिक बताने जा रहा हूं वो ये है, बिल्कुल ध्यान से देखना इसमें क्या है। कोई भी ग्राफ आ जाए, चाहे लाइन, चाहे पाई, चाहे टेबल, चाहे बार, जितने भी डाटाबेस जिनमें डाटा होता है, जो आपका मैप और प्रोसेस है वो थ्योरी बेस्ड है, तो जो डाटा बेस्ड है ना उनमें 4 चीजें कॉमन रहती हैं। और 4 चीजें क्या है, वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। सबसे पहले देखो इस लाइन को, मान लीजिए चारों जो आपके डाटा बेस्ड है उनकी कोई भी लाइन उठा लो, चारों में से कोई भी लाइन उठा लो, उस लाइन में 4 चीजें कॉमन होगी। कौन सी? एक तो ये आ गया भी जिसके बारे में बात होती है, मतलब आपको ये चीज तो मिलेगी ही मिलेगी, बात किसके बारे में हो रही है, कहीं पॉपुलेशन की, कहीं प्रोडक्ट की, कहीं किसी कंट्री की, किसी टेबल चेयर की, मतलब बात तो किसी का किसी की होगी ना। मतलब एक तो वो प्रोडक्ट है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है भी, वो चीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, चाहे लाइन, चाहे पाई, चाहे बार रहे, टेबल कोई भी हो, इंक्रीज डिक्रीज हो गई होगा, चाहे नंबर हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे कुछ भी हो, इंक्रीज डिक्रीज हो गई होगा। अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो वो चीज कितनी इंक्रीज कितनी डिक्रीज हो रही है ये भी होगा। ये भी चीज आपको हर एक आपके डाटाबेस टास्क में मिलेगी। और फोर्थ चीज, ये भी कब, मतलब ये 4 चीजें आपको हर एक लाइन में मिलने वाली है, चारों डाटाबेस्ड टास्क 1 में। ठीक है, कौन सी चीज है, इंक्रीज इंक्रीज है या डिक्रीज है, कितनी इंक्रीज है और कब इंक्रीज है, ये 4 चीजें। अब ये चीज आपका सोल्यूशन कैसे बनेगी, अब देखना। मान लीजिए चाइना की तो मैंने लिख दी, अब मैंने लिखनी है जापान की भी, मान लीजिए जापान की पॉपुलेशन भी 30% इंक्रीज होगी। अब सेम लाइन तो मैं लिखने नहीं वाला, अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 पार्ट है, अब मैं सेकंड पार्ट को उठाऊंगा, अब इससे स्टार्ट करूंगा अपनी लाइन। इंक्रीज डिक्रीज थी, इंक्रीज आई है मतलब वोवल है, एन इंक्रीज की जगह पे मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट, एन इंक्रीमेंट ऑफ अबाउट जापान की मान ली 30%, अबाउट 30% वॉज
अकाउंटेड इन द पॉपुलेशन ऑफ जापान। तो एक लाइन से बन गई दूसरी लाइन। अब मान लीजिए थर्ड है आपकी इंडिया की, इंडिया की पॉपुलेशन भी मान लीजिए आपने 40% इंक्रीज कर दी। फर्स्ट से भी लाइन बन गई, सेकंड से भी बन गई, थर्ड उठाओ 10%। ए 10% ऑफ राइज, इंक्रीज के सिनोनिम हर एक बच्चे को आते हैं, राइज वॉज नोटिस्ड किसमें, इन द पॉपुलेशन रेट ऑफ, यहां पे आप लिख लेना इन 2010, पॉपुलेशन रेट ऑफ इंडिया इन 2010। लीजिए एक लाइन से तीन लाइनें बन गई। अब मान लीजिए किसी और कंट्री की आ गई, यूएसए की आ गई, तो मैं चौथा फैक्टर उठाऊंगा। चौथा फैक्टर ये, थर्ड फैक्टर ये, सेकंड फैक्टर, चौथा फैक्टर क्या है 2010, मैं इसको आगे लिखूंगा। इन 2010 द पॉपुलेशन रेट ऑफ यूएसए वॉज अकाउंटेड विद ए 40% ऑफ जंप। लीजिए एक ही लाइन से चार लाइनें बन गई। अब इसके अलावा और बता देता हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए ये चार तो बन गई, अब आपके माइंड में ये होना चाहिए भी और मान लीजिए कोई लाइन आती है, आप देयर हैड बीन से शुरू कर सकते हैं। अगर पास्ट है तो देयर हैड बीन एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 50% वॉज सीन इन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, ठीक है। मतलब ये आपका आएगा पांचवा तरीका। सिक्स्थ भी आपको बताते हैं, देयर वॉज या देयर वॉज या वर से भी आप लाइन शुरू कर सकते हैं। तो आपके सामने एक ही लाइन से चार चार पांच पांच छह छह लाइनें बनानी मैंने आपको सिखा दी। यही मेन प्रॉब्लम रहती है बच्चों की और इसी के कारण बैंड रहते हैं, जो उनके पास सेंटेंस वेरिएशन नहीं रहती। तो आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बड़ा इजी मेथड मैंने बता दिया। आप अगर एक बीपी में एक बीपी जो टास्क वन का होता है उसमें अराउंड चार से तीन से चार लाइनें ही आती हैं, ज्यादा से ज्यादा पांच आ जाएंगी। अब मैंने वेरिएशन साथ की सिखा दी, मतलब एक बीपी में तो आपकी लाइंस रिपीट होने नहीं वाली अब, ठीक है। तो यही मेन तरीका है, अगर आपने तीन में से 2.5 बैंड तक जाना है टास्क वन में, इस चीज को अप्लाई कर दो आपके राइटिंग में 100% श्योरिटी के साथ एक से डेढ़ बैंड का फर्क आपको देखने को मिलेगा, चाहे रियल एग्जाम हो, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो या कहीं पे भी हो। प्लस आपका कॉन्फिडेंस देखना कितना अच्छा होता है, अभी सर मुझे तो वेरिएशंस ही बहुत आती हैं, मैं रिपीट ही नहीं करने वाला। तो ये तरीका आप अपनाओ, आपका स्कोर देखना कितना अच्छा आता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि किसी भी बच्चे का एग्जाम हो उसको हेल्प मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताओगी आपको टास्क टू में अगर प्रॉब्लम है तो किस में प्रॉब्लम है, उस पे वीडियो आएगी। रीडिंग लिसनिंग राइटिंग किसी में प्रॉब्लम है कमेंट करके आप बताओ। सो थैंक यू सो मच।